नमस्कार, मैं खुशवानी धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। भारतीय भारोत्तोलक हरजिंदर कौर ने कॉमनवेल्थ गेम्स में वेटलिफ्टिंग में भारतीय खिलाड़ियों के शानदार सफर को जारी रखते हुए सोमवार को यहां महिलाओं के 71 किलोग्राम भार वर्ग में ब्रॉन्ज जीता। इसी के साथ भारत की कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पदकों की संख्या खबर लिखे जाने तक 9 हो चुकी है। भारत ने 3 गोल्ड, 3 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल जीत लिए हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि अगस्त महीने के आखिर तक छठे चरण की शिक्षक बहाली की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इसके बाद सातवें चरण की शिक्षक बहाली शुरू कर दी जाएगी। सितंबर के अंत तक निश्चित तौर पर सातवें चरण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना के 13,734 नए मामले सामने आए। हालांकि राहत की बात यह है कि आज के मामले कल की तुलना में कम है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में एक दिन में 13,000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। जाप प्रमुख पप्पू यादव ने बीजेपी के 2 दिवसीय कार्यक्रम में पहुंचे जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के स्वागत मामले पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि इस पूरे कार्यक्रम के दौरान सुशील मोदी की तस्वीर किसी भी कार्यकर्ता या नेता के बैनर पोस्टर में नजर नहीं आई। बीजेपी को यूज एंड थ्रो करने की आदत है। महाराष्ट्र में कुछ सेवानिवृत्त राज्य और केंद्र सरकार के अधिकारियों ने हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। एक याचिका के जरिए इन लोगों ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा नियुक्तियों और विकास से संबंधित पिछली उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी सरकार द्वारा पारित कई फैसलों और परियोजनाओं को रोकने या रद्द करने के फैसले को चुनौती दी गई है। दरभंगा जिले में राज्य द्वारा संचालित ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के परीक्षा नतीजों ने लोगों को चौंका दिया है। यहां बीए ऑनर्स के छात्र ने राजनीतिक विज्ञान की परीक्षा में 100 में से 151 अंक प्राप्त कर लिए हैं। इतना ही नहीं, एक छात्र अपने लेखा और वित्त पेपर में 0 अंक प्राप्त करने के बावजूद अगले सेमेस्टर के लिए पास कर दिया गया है। परीक्षा के परिणामों में हुई इन त्रुटियों को टाइपोग्राफी त्रुटि बताया गया है। पश्चिम बंगाल में हुए शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर लोगों में गहरा आक्रोश है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की जांच का सामना कर रहे बंगाल सरकार के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी पर आज एक महिला ने चप्पल फेंक दिया। पार्थ चटर्जी मंगलवार को जब अस्पताल से बाहर निकल रहे थे, इसी दौरान वहां इलाज कराने पहुंची महिला ने उनके ऊपर चप्पल फेंक दिया। सांसद चिराग पासवान ने मंगलवार को अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक तस्वीर शेयर की है। तस्वीर में ऐसा लग रहा है कि हाथ पर खून से चिराग फैंस लिखा हुआ है। हाथ पर यह बात खून से लिखा देख चिराग पासवान ने ऐसे समर्थकों से अपील की है कि कृपया हाथ काटना व किसी भी तरह की खुद को तकलीफ देना सही नहीं है। आप ऐसा कोई काम करें जिससे कि मुझे तकलीफ हो। अगर मेरे समर्थक हैं तो मेरे विचारों को जन जन तक पहुँचाएं। मैं इन चीज़ों का कभी पशुधर नहीं रहा हूँ और ना रहूँगा। कोरोना वैक्सीन तैयार करने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आदार पूनावाला को अमृत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपने हाथों से आदार पूनावाला को सम्मान दिया। लालू यादव के करीबी और पूर्व विधायक भोला यादव 5 अगस्त तक सीबीआई रिमांड पर रहेंगे। इससे पहले उन्हें 2 अगस्त तक ही रिमांड पर रखा गया था, लेकिन अब उनके रिमांड को बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा हृदयानंद चौधरी भी 5 अगस्त तक सीबीआई की हिरासत में रहेंगे। भारत में कैशलेस ट्रांजैक्शन का कल्चर बढ़ता जा रहा है। ताज़ा खबर यह है कि जुलाई में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस के जरिए 6 अरब से अधिक ट्रांजैक्शन हुए हैं। इसके जरिए 10.62 लाख करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है। यह जानकारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्वीट करके दी है। मौसम को लेकर बिहार दोधारी तलवार पर खड़ा है। एक तरफ कम बारिश के चलते दक्षिण बिहार सूखे की चपेट में आता दिख रहा है, वहीं नेपाल और उससे सटे जिलों में हुई बारिश के चलते उत्तर बिहार में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। इटावा में भारतीय सरकार द्वारा 5,000 स्पेशल वाटर प्रूफ लिफाफे मुख्य डाकघर में भेजे गए हैं, जिससे रक्षाबंधन के त्यौहार पर बहनें अपने भाई को बरसात के मौसम में राखी सुरक्षित पहुंचा सके। इसके लिए डाक विभाग सिर्फ 10 रुपये शुल्क ले रहा है। साथ ही इस लिफाफे से राखी भेजने का कोई अतिरिक्त पैसा नहीं लिया जा रहा है। भारत में मंकी पॉक्स के बढ़ते मामले अब डराने लगे हैं। केंद्र और राज्य सरकारें इसको लेकर अलर्ट मोड पर हैं और सभी आवश्यक कदम उठा रहे हैं। इस बीच केरल में बुधवार को मंकी पॉक्स का एक और मामला दर्ज किया गया है, जिससे यहां कुल मामलों की संख्या 5 हो गई है। वहीं भारत में कुल मामलों का आंकड़ा 7 तक पहुँच गया है।
तकनीक के क्षेत्र में विश्व की अग्रणी कंपनियों ने सम्मिलित गूगल की अल्फाबेट हो या फिर फेसबुक की मेटा, इस तरह की अधिकांश कंपनियां समाचार पत्रों और न्यूज वेबसाइट के कंटेंट आदि का उपयोग कर मिनटों में करोड़ों रुपए कमा लेती हैं, जबकि उस कंटेंट के मूल निर्माता यानी उसे तैयार करने वाले प्रकाशक को इसके बदले में कुछ भी नहीं मिल पाता है या फिर चुनिंदा मामलों में बहुत ही कम हिस्सा मिल पाता है। परंतु अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि भारत सरकार इस दिशा में एक नया कानून बनाने की तैयारी में जुटी हुई है। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच तीसरे T20 इंटरनेशनल मैच का टाइम टेबल बदल दिया गया है। इस मुकाबले का टॉस अब 8 बजे ना होकर रात के 9 बजे होगा, जबकि पहली गेंद रात 9:30 बजे फेंकी जाएगी। मतलब ये कि मुकाबला जो है वो भारतीय समयानुसार रात के 9:30 बजे से शुरू होगा। रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी ने 5G नेटवर्क सर्विस को लेकर इशारा दिया है। उन्होंने कहा कि पूरे भारत में 5G नेटवर्क सर्विस को रोल आउट करते हुए आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जाएगा। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि रिलायंस जियो 5G सर्विस को पूरे देश में 15 अगस्त के दिन जारी कर सकती है। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल एंड सिलेक्शन ने विभिन्न बैंकों में भर्ती के लिए आयोजित की जाने वाली IBPS PU परीक्षा 2022 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आधिकारिक नोटिफिकेशन के मुताबिक कुल 6000 पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह ने मंगलवार को हैदराबाद हाउस में मुलाकात की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने दोनों नेताओं की मुलाकात की तस्वीरें साझा करते हुए ट्वीट किया, गहरे संबंधों और व्यापक संभावनाओं के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति सोलिह का स्वागत किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने 841 राज्य विधि अधिकारियों यानी सरकारी वकीलों को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में नियुक्त किए गए सभी सरकारी वकीलों की सेवाएं खत्म कर दी गई हैं। यह आदेश विधि एवं न्याय विभाग के विशेष सचिव निकुंज मित्तल की तरफ से जारी किया गया है। जून माह में ईस्टर्न लद्दाख में LAC के पास चीनी विमानों को उड़ान भरते हुए देखा गया था, जिसके बाद अब भारत की ओर से इस तरह की गतिविधि का आरोप लगाया गया है। भारत और चीन के बीच लद्दाख में सैन्य टकराव की स्थिति बनी हुई है। कई दौर की वार्ता के बाद भी दोनों देशों के बीच सीमा विवाद सुलझ नहीं सका है। हालांकि दोनों देशों के बीच लंबे समय से हो रही बातचीत से कुछ हालात जरूर बेहतर हुए थे, लेकिन अगर एक बार फिर से दोनों के बीच तनाव बढ़ता है तो स्थिति बिगड़ सकती है। केरल विधानसभा में 18,728 दिन पूरे होने के बाद 78 वर्षीय कांग्रेस नेता और दो बार के मुख्यमंत्री ओमन चांडी ने सबसे लंबे समय तक विधायक रहने का रिकॉर्ड बनाया है। चांडी ने 1970 से पुथुपुल्ली निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करना शुरू किया। यह रिकॉर्ड पहले के एम मनी के पास था, जिनका 2019 में निधन हो गया है। टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर युजवेंद्र चहल का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक कर लिया गया और फिर उनकी प्राइवेट चैट का स्क्रीनशॉट भी पब्लिक कर दिया गया, और ऐसा करने वाले ने खुलेआम इसका ऐलान भी कर डाला। यह सब कुछ हालांकि मजे में ही किया गया है। राजस्थान रॉयल्स ने चहल की जिस इंस्टा चैट का स्क्रीनशॉट शेयर किया है उसमें उनकी पत्नी धनश्री वर्मा चहल, संजू सैमसन, महेंद्र सिंह धोनी, जॉस बटलर, इंडियन क्रिकेट टीम और रोहित शर्मा के अकाउंट से आए आखिरी मैसेज नजर आ रहे हैं। प्रो कबड्डी लीग वर्ष 2014 में शुरू हुआ यह सफर 8 सफल सीजन के बाद 9वें सीजन में आ चुका है, जिसे लेकर जोर शोर से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इसी बीच प्रो कबड्डी लीग के आयोजक ने 9वें सीजन के लिए खिलाड़ियों की नीलामी की आधिकारिक तारीख का ऐलान कर दिया है, जिसका आयोजन मुंबई में किया जाएगा। भारतीय रेलवे की तरफ से जानकारी दी गई है कि 4 राज्यों को जोड़ने वाली फुल AC हमसफर एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन बुधवार 3 अगस्त से फिर से शुरू हो रहा है। साप्ताहिक हमसफर एक्सप्रेस गाड़ी नंबर 20827 का संचालन गुरुवार 4 अगस्त से किया जा रहा है। वहीं संतरागाछी से चलने वाली गाड़ी नंबर 20828 को कल यानी बुधवार 3 अगस्त से शुरू किया जाएगा। सैमसंग के नए फोल्डेबल फ़ोन गैलेक्सी Z फोल्ड 4 और गैलेक्सी Z फ्लिप 4 10 अगस्त को लॉन्च होने वाले हैं। कंपनी इन्हें गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट में लॉन्च करने वाली है। इवेंट की शुरुआत शाम 6:30 बजे से होगी। लॉन्च से पहले यूजर्स की एक्साइटमेंट को बढ़ाने के लिए कंपनी ने इन डिवाइसेस का ट्रेलर शेयर किया है। 41 सेकेंड के इस ट्रेलर में फोन्स के डिज़ाइन की झलक दिखती है। BJP के पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि सभी भारतीयों का DNA एक है। यदि कोई व्यक्ति उदार बौद्धिक और साहसी है तो वह ब्राह्मण है। उनका कहना है कि भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यही उपदेश दिया है कि कर्म से ही व्यक्ति की पहचान होती है। वो मानते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर एक ब्राह्मण थे क्योंकि वो एक महान स्कॉलर थे। वो उन्हें SC नहीं मानते।
मैक्सिको से 12 दिन की भारत यात्रा पर आए दंपति का आई पैच रविवार को नई दिल्ली रानी कमलापति शताब्दी एक्सप्रेस में छूट गया। वे खजुराहो जाने के लिए धौलपुर से झांसी के लिए ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। झांसी में उतरते समय आई पैच ट्रेन में ही भूलकर पर्यटक खजुराहो पहुंच गए, लेकिन उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी। जब कुछ घंटे बाद रेलवे से उन्हें जानकारी दी गई कि उनका आई पैच ट्रेन में छूट गया था और उन्हें जल्द ही सुरक्षित उपलब्ध करवा दिया जाएगा, तो वो चकित हो गए और उन्होंने रेलवे की इस यात्री सेवा का धन्यवाद दिया। नेपाल में लगातार भारी बारिश के चलते गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। गंडक नदी के सीमावर्ती गांव वाल्मीकि नगर के चकदहवा, झंडू टोला, बीन टोली और कान्हा टोली के लोगों को ऊंचे स्थान पर जाने के लिए कहा गया है। वहां रात तक बाढ़ का पानी घुसने की आशंका बढ़ गई है। वेटलिफ्टिंग में हरजिंदर रिकॉर्ड ने कुल 212 किलोग्राम वजन उठाकर कांस्य पदक जीता है। वहीं विजय कुमार यादव ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में जूडो इवेंट में भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इसके साथ ही अब तक भारत की झोली में 9 मेडल आ चुके हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हरजिंदर रिकॉर्ड और विजय कुमार यादव को बधाई दी है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है कृष्णा कुमार ठाकुर, सुभाष चंदन यादव, राधा रानी, रविशंकर, जितेंद्र ठाकुर, रिया अंसारी, दीपक कुमार और एस निशा। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि क्या आप केंद्र सरकार द्वारा नेशनल हाईवे जैसी सड़कों को लेकर किए जा रहे काम से संतुष्ट हैं? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। देश और प्रदेश के खबर के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।